तो गाइज अब हम आपको लेकर आए हैं सबसे ऊंची जगह पे जहाँ से पूरा आश्रम दिखाई देता है यार। हम आपको उस जगह लेके आए जहाँ पे पूरा आश्रम दिखाई, हमने आपका सारा नीचे आश्रम की बात करें तो इसके अंदर बहुत ही शानदार मंदिर यानी कि बहुत ही शानदार तस्वीरें वगैरह यहाँ पे बनी हुई है। तो अब हम आपको तस्वीरें वगैरह दिखाएंगे, तो आप ध्यान से देखना और वीडियो एंड तक देखना। तो अब हम आपको सबसे जो शानदार जो नजारा है अब वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो बात की जाए यहाँ पे, तो अब आपको दिखाते हैं श्री श्री प्रवंश महंत प्रवंश भजनदास श्री महाराज लाल बाबा जी याद। तो आप देखिए ये यहाँ के पहले बाबा रहा करते थे, यहाँ पे ये पहले वाले जो तो नहीं है। फिर अब हम आपको आगे दिखाते हैं, आप यहाँ पे देखो ये सीता राम हनुमान जी वगैरह का पूरा ही बना हुआ है। तो आप इसको देखो एक बार कैसा है, बहुत ही शानदार है, जो कि इसमें झूले में बना हुआ है, झूले में बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार है। इसको देखो अब हम आपको आगे इधर दिखाते हैं, इधर श्री केसरी नंदन हनुमान जी महाराज नरसिंह दास जी का बूंदी राजस्थान उसका ये मंदिर बना हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे भी कुछ तस्वीरें वगैरह बनी हुई है, क्योंकि आप पास में आकर दिखाओ एक बार, तो बहुत ही शानदार है, तस्वीर वगैरह बनी हुई है। तो अब हम आपको आगे दिखाते हैं, आगे अगर हम इस और बात करें तो इस और भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें वगैरह बनी हुई है यहाँ पे। आप देखो एक बार, बहुत ही शानदार है, तस्वीरें वगैरह यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, ये पेंटिंग हो रखी है, ये देखो बहुत यहाँ पे शिव शंकर में बहुत शानदार पेंटिंग है। एक बार इसको हम आपको चारों ओर से दिखाते हैं, तो आप देखो आपको सबसे जो सुंदर नजारा था वो हमने आपको दिखाया, बहुत अच्छी मूर्ति, बहुत अच्छे शानदार बना हुआ था। अब हम आपको आगे दिखाने वाले कि आगे क्या है। आगे की बात की जाए तो यहाँ पे पूरा बहुत शानदार यहाँ पे बना हुआ है। इधर बात की जाए तो एक मंदिर इधर भी बना हुआ है, तो इधर चलते हैं। तो भाई जी अब हमने आपको अंदर से दिखाया, ये मंदिर भी हमने आपको दिखाए थे। बाकी इधर की बात की जाए तो इधर देखो आप, इधर देखो अंदर कैसा बना हुआ है, बाकी इधर ये बना हुआ है देखो आप, ये श्री राम वगैरह पेंटिंग है। अब चलते हैं बाहर, जो कि अंदर से हमने आपको दिखाया। अब हम आगे आपको यहाँ पे कुछ हवन कुंड वगैरह जहाँ पे यहाँ पे शादी वगैरह करवाई जाती है, तो उनका हवन कुंड वगैरह हम आपको दिखाते हैं। तो आइए इधर यहाँ पे कुछ हवन कुंड वगैरह बने हुए हैं, तो आइए यहाँ पे इधर आप यहाँ पे बड़ा हवन कुंड वगैरह बना हुआ, इधर भी बने हुए हैं, तो आप इधर भी देखो, इधर भी हवन कुंड वगैरह बना हुआ है, इधर भी हवन कुंड बने हुए हैं। तो आप देखो चारों तरफ हवन कुंड बने हुए हैं यहाँ पे, जो कि शादी वगैरह यहाँ पे करवाई जाती है, दूसरे काम में जाए मान किया जाता है यहाँ पे, इनका काम चलिए आगे तो गाइज यहाँ पे जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ की शादी वगैरह करवाई जाती है, तो उसके हवन कुंड वगैरह यहाँ पे हमने आपको दिखाए, जो कि यहाँ पे आगे हम बात करेंगे यहाँ पे घोड़ी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है शादी में, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको दिखाई जाए। तो देखो आप यहाँ पे घोड़ी वगैरह है जो कि यहाँ पे है, कहीं लाने के बाद से कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पहले से ही अवेलेबल है। तो आप देखो ये घोड़ी वगैरह का भी सारा कुछ इन्होंने यहाँ पे मैनेजमेंट है। और शादी की आगे बात करें, यहाँ के जो गार्डन वगैरह है वो इशू हो रहे हैं, जहाँ शादी वगैरह के लिए अच्छा बनाया गया है। तो आप देखो एक बार इधर पूरा बना, इधर है वो गेट। तो अब हमने आपको सारा दिखा दिया, तो एक बार हम आपको पीछे से भी दिखाते हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं। गाइज अब हम आपको लेकर आए हैं सबसे ऊंची जगह पे जहाँ से पूरा आश्रम दिखाई देता है यार। हम आपको उस जगह लेके आए जहाँ पे पूरा आश्रम दिखाया, हमने आपका सारा नीचे से तो हमने सारा दिखा दिया, लेकिन अब आपको हम ऊपर से दिखाने वाला है कि पूरा ऊपर से कैसा दिखाई देता है। आप देखो एक बार पूरा देखो ऊपर से कैसा दिखाई देता है।
तो गाइज हमने आपको यहाँ का आश्रम दिखाया यार, तो कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो, आश्रम आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।